हेलो फ्रेंड, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ अली टेक। आज का वीडियो रहेगा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट, इस तरीके के जो आपको कॉपीराइट आते हैं तो इसकी आपको रूल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है 2021 में। और 1 मई से और रूल लग गए हैं तो यूट्यूब पर आपको काम करना है, तो इनकी जानकारी बहुत ज्यादा आपको होना जरूरी, क्योंकि आप यूट्यूबर पे क्रिएटर हैं तो आपको ये जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। और क्योंकि इसलिए मैं बोला हूँ कि आपको कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पता हो कि जब कभी क्लेम आए तो आप घबराए ना, स्ट्राइक आए तो घबराए। तो इस तरीके का हम आपको पूरा बताने वाले हैं, फर्क कितना है, बस आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और मेरे चैनल पर प्रमोशन भी चल रहा है, मेरा ये पूरा वीडियो देखते कहीं भी आपको कोड मिलता आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करते हैं, हम आपके चैनल का प्रमोशन कर देंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। चलिए, हमने सब बातें आपको बताने के लिए लिख रखी हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम का मतलब समझ। जब देखिए कॉपीराइट क्लेम आता है तो चैनल पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब जब कोई आप दूसरों के वीडियो डालोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाते कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, होगा तो उसके पास पूरे रुपए जाएंगे। और क्या क्या हो सकता है, स्ट्राइक उसमें नहीं मिलेगी आपको और वीडियो डिलीट नहीं होगा आपका कॉपीराइट क्लेम में। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आती तो आपका वीडियो भी डिलीट कर दिया जाएगा और स्ट्राइक भी आ जाएगी आपके चैनल पर, और 90 दिन के अंदर वो स्ट्राइक जाएगी और 2 स्ट्राइक और आ गई तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। देखिए ये स्ट्राइक और क्लेम, स्ट्राइक तब आती है जब आप दूसरों को कोई चीज़ चोरी करते हैं और वो चीज़ जिसका आपने चोरी किया है वो YouTube को कंप्लेन कर देता है, फिर आपके पास YouTube स्ट्राइक भेजता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के इन फ्यूचर आपको चैनल पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। देखिए सबसे पहले आप क्या है, जैसे आप वीडियो यूज करते हैं, वीडियो यूज करने में आप उसकी ऑडियो हटा के ओनली वीडियो वीडियो यूज करते हैं तो उसके पास ये मतलब राइट है कि आपको स्ट्राइक दे सकता है, तो ध्यान रखें। और कभी आप ये भी सोचें कि वीडियो हटा दें उसकी ऑडियो भी लगा दें खाली तो भी आपके पास स्ट्राइक आ सकती है, ये मतलब उसके पास पूरा ओपिनियन होता है, वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। एक तो ये हो गया, आप जैसे बुक होते हैं उस पर भी स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि वो वैसे बुकों पर ज़्यादा स्ट्राइक आता नहीं है लेकिन आ सकता है, ये उनका राइट है। मतलब यूट्यूब कहता है कि जिसकी बुक आपकी नहीं है तो आप दूसरों की कुछ भी डालोगे आपको हम वो जो बोलेगा कंप्लेन हमें करेगा तो हम आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब है एक तरीके की चोरी, और कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम और गाइडलाइन स्ट्राइक ये एक मतलब एक्ट है, जैसे अनुच्छेद अपने भारत में चलते इसी प्रकार यूट्यूब के ये एक्ट है। इन एक्ट को आपको देख के और संभल के आपको इस पर काम करना होगा, आप गलती करते हैं तो इन फ्यूचर आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, जैसे आप कभी भी मूवी डाउनलोड करना बता रहे हो तो ये यूट्यूब के खिलाफ, ये गाइडलाइन मतलब यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ आती है कि आप कोई भी चीज़ यूट्यूब से नहीं बता सकते कैसे डाउनलोड करें अदर ऐप से, तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है, तो इससे आप ये चीज़ ना करें, ठीक है। और क्या है, जैसे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं आप उनको बता रहे हैं, फ्री बता रहे, क्रैक वर्जन बता रहे, मोड वर्जन बता रहे, तो सॉफ्टवेयर वाला मालिक आपको स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट हाँ स्ट्राइक दे देगा, ठीक है। तो आपको 3 स्ट्राइक मिलने से आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए, और 1 स्ट्राइक आने से 10 दिन का जो आपका वीडियो अपलोडिंग बंद कर दिया जाता है, कंट्री टैब भी बंद कर दिया जाता है। और आगे क्या हो जा सकता है, देखिए आपको हमने बता दिया 2 स्ट्राइक और आ जाए, कभी कभी आपको फेक स्ट्राइक भी दे दी जाती है तो आपको काउंटर नोटिफिकेशन डालना होता है यूट्यूब को, तो वो बता मतलब आपका ये फेक वाला होगा तो वो आपको प्रूव करना होगा ये मेरा वीडियो, तो वो एकदम सही मतलब करके आपकी स्ट्राइक हटा देगा। तो ये चीज़ होती है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके चैनल पर मतलब आपको कभी भी चैनल पर दिक्कत नहीं आएगी और आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और हमने आपको बता दिया स्ट्राइक आ गई तो समझ लो आपके चैनल की आफत है, और क्लेम आएगी तो आपके क्लेम में ये होता है कि आपका जो मतलब रेवेन्यू होगा वो आपको उसी जिसका वीडियो उसके पास चला जाएगा, और ये होता है कब मोनेटाइज होता ही नहीं, वैसे हो भी जाए तो उसके पास जाएगा। और दिक्कत ये आती है जब आपका क्लेम होता है, जब आप मोनेटाइज के लिए भेजोगे तब भी आपको दिक्कत आएगी, आपका क्या हो चैनल मोनेटाइज भी ना हो, तो आप अपना ही कॉन्टेंट डालें, दूसरों का कॉन्टेंट ना डालें तो बेहतर है। ये एक्ट आप फॉलो करते हैं तो आपके चैनल पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बस आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अभी तक आपने आसिफ अली टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें। और एक दो चीज़ें और हम आपको बता दें जिससे आप कभी भी ये गलती ना करें, कभी भी आप स्क्रीन नहीं होती ग्रीन स्क्रीन जो नहीं
सब्सक्रिप्शन बटन होती है वो बताना मतलब डाउनलोड करना सिखा रहे हैं, तो आपके पास स्ट्राइक आ सकती है। और कभी भी हैकिंग के बारे में ना बताएं कि इधर से ये इधर से ये, और कभी भी सेक्सुअल कंटेंट ना डालें, इससे भी आपको स्ट्राइक यूट्यूब खुद दे देगा, कोई दे ना दे आपको स्ट्राइक दे। खून ऊन खच्चर वाली फोटो आप डालते हो तो आपको भी स्ट्राइक मिल सकती है, तो ये भी ना डालें। और बच्चों को, और ज़्यादातर वो सबसे ज़्यादा करता है, जब आप बच्चों के ऊपर कुछ गलत करोगे तो आपको ज़्यादा मतलब स्ट्राइक होगी, वीडियो डिलीट कर दी, एक का तो चैनल डिलीट कर दिया, तो सुनील अगेन करके है, उन्होंने कुछ बच्चे को बोला था यूट्यूब की, बच्चे के बारे में आपने कुछ गलत बोला इसलिए हमने आपका चैनल डिलीट कर दिया, तो वो स्पेशल बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आप ऐसी चीज़ें ना डालें जो बच्चों को मतलब आगे चल के आपको उन बच्चों को दिक्कत हो, तो YouTube को पता लग गया आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर देगा। तो ये इतनी एक्ट आपको पता होना चाहिए, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और कम्युनिटी गाइडलाइन, ये तीन आप फॉलो, इन तीनों एक्ट को आप फॉलो करते हैं तो आपके चैनल पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और उससे पहले अभी तक आपने आसिफ अली टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर प्रमोशन भी चल रहा है, आप पूरा वीडियो देखा होगा, कहीं आपको एक कोड मिला होगा, वो हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करते हैं, हम आपके चैनल का प्रमोशन कर देंगे टेलीग्राम और आसिफ अली टेक, बस यही बताना। तो और सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।